वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगतिशील किसानों के लिए भारतीय कृषि पद्धति विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन एनआईसी हॉल में किया गया। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उप कृषि निदेशक संजय सिंह सहित पशुपालन विभाग के साथ प्रगतिशील किसान भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यशाला में गुजरात के राज्यपाल ने किसानों को जैविक कृषि के संबंध में अपने अनुभवों को शेयर किया तथा कहा कि जैविक खेती से में शुरू में तो दिक्कतें होती हैं, लेकिन बाद में जैविक खेती में काफ़ी लाभ है। इसके लिए पशुधन को भी रखना होगा तथा पशुओं के दूध के साथ उसके गोबर से जैविक खाद बनाकर किसान खेतों में अच्छी उपज की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती से वातावरण और प्रदूषण फैलने में राहत मिलती है, वहीं किसानों को अच्छी फसल का पैदावार भी होती है और किसान अपनी आय को दुगुना कर सकते हैं। जैविक खेती क्यों बढ़ा, मैंने केचुआ पाला, पिट बनाए और वर्मी कंपोस्ट तैयार शुरू किया। परिणाम क्या हुआ कि मैं अपने खेत के रोगों को रोक नहीं पाया और पहले दो साल मेरा उत्पादन बिल्कुल शून्य के बराबर हुआ। तीसरे साल मेरी स्थिति कुछ ठीक हुई, लेकिन आम आदमी ये प्रयोग नहीं कर सकता। जिसके पास खेती एक दो एकड़ है, वो ऐसे प्रयोग करेगा तो बेचारा गुजारा कहां से करेगा, तो ये गंभीर चुनौती है। तो इस बीच में मेरा परिचय पद्मश्री सुभाष पालेकर से हुआ। मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में उनको बुलाया, एक सेमिनार 500 किसानों के बीच में कराया, 5 दिन में उनके बीच में बैठा, तो मैंने उनकी पद्धति को सीखकर जैविक खेती मैंने छोड़ी और प्राकृतिक खेती मैंने पालेकर की विधि से शुरू कर दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उत्पादन उतना हुआ जितना रासायनिक खेती से होता, उसमें कोई अंतर मेरा नहीं पड़ा, तो मेरी समझ में आया कि ये मामला ठीक। यूनिवर्सिटी है लुधियाना में और हरियाणा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में, वो साल में कुछ सिफारिशें लगा करके पुस्तिका निकालते किसानों की जानकारी के लिए। और हमारी जो मुख्य फसलें हैं गेहूं और धान, उसकी एक एकड़ फसल को 60 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन एक एकड़ में चाहिए और एकड़ एक 300 क्विंटल गोबर की खाद कहां से आएगी, उसके लिए 15-20 पशुधन चाहिए। एक एकड़ का किसान 15-20 पशुधन को पालेगा या परिवार को पालेगा, ये किसी भी ढंग से गोबर इतनी भारी मात्रा में इतने बड़े देश में लाना संभव नहीं है।